टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है पर्पल हॉल। सो जितनी भी चीजें हैं मैंने purple.com से मंगाई है एंड यू गाइस कैन सी कि दो डब्बा भर के मैंने चीजें मंगाई। इवन बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास आज आपके साथ शेयर करने को। पर्पल पे चल रही है अनलॉक ब्यूटी सेल जो की 22nd September से 28th September तक रहेगी, जिसपे आपको मिलेगी डिस्काउंट अप टू 40%। purple.com में नए नए ऑफर्स चलते रहते हैं गाइस डिफरेंट ब्रांड्स के, जिसकी डिटेल्स आपको purple.com के होम पेज पे मिल जाएगी लाइक दिस। आज जो मैंने मेकअप पहना है वो मोस्टली जो मैंने मंगाया है वही ट्राई किया है कि मैं आपको मिनी रिव्यू दे पाऊँ कि जो चीजें हैं वो कैसी है। तो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आइटम मैंने ये 24K गोल्ड प्राइमर मंगाया है जो कि पर्पल ब्रांड से ही है और कुछ इस तरीके से इसकी प्राइमर दिखती है। इसके रिव्यूज मैंने बहुत अच्छे अच्छे पढ़े थे तो इसलिए मैं इसे ट्राई कर रही हूँ एंड स्किन पे ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो जा रही है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई। फर्स्ट अप्लाई में ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रही है तो एक बार में ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी MRP है 450 rupees बट ऑफकोर्स आपको ये सेल पे मिलेगी। सो आई लाइक दिस प्राइमर। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है वो कंसीलर पैलेट पर्पल की एंड ये है शेड नंबर 6 में। सो कुछ इस तरीके से 6 शेड्स है इस पे। सो आज मैंने ये शेड भी ट्राई करा है टू हाइड माय डार्क सर्कल। मैं बहुत टाइम से ऑरेंज कंसीलर ट्राई करना चाहती थी, फाइनली मैंने ये लिया और ट्राई किया तो बहुत अच्छे से मेरे डार्क सर्कल हाइड हो गए इससे। इसकी MRP है 750 बट ऑफकोर्स आपको सेल पे मिल जाएगी काफी अच्छे प्राइस में। नेक्स्ट जो है वो भी कंसीलर ही है। मैंने एक नहीं दो नहीं तीन कंसीलर पिक करा है। तो ये है स्टेक वर्की का कंसीलर बाइट एंड हाइड। So, ऐसी पैकेजिंग से बहुत ही कलरफुल वाली बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। मैंने इसमें 3 सेट्स मंगाए हैं, फर्स्ट नंबर 3 नंबर एंड 7 नंबर। कुछ इस तरीके से है लाइट सेट डार्क सेट। आज मैंने यूज करा है यही कंसीलर। तो जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे एक बार जरूर चेक कर ले। नेक्स्ट जो है वो भी एक कंसीलर ही है एंड स्टेक वर्की की हाइड माई हिकी। सो कुछ इस तरीके से पेन कंसीलर है ये एंड मेबेलिन की एज रिवाइंड टाइप पैकेजिंग है इसकी। और तो इस पे मैंने लिया है शेड नंबर 7। सो सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो एक बार जरूर चेक करें। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो फाउंडेशन लिया है। सो मैंने दो फाउंडेशन पिक करा है, एक स्टेक वर्की का फाउंडेशन है और एक है पर्पल का। तो इस पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा लाइट शेड हो गई है और एक बहुत ज्यादा डार्क शेड हो गई है। तो स्टेक वर्की में मेरा शेड है शेड नंबर 2 एंड पर्पल में मैंने पिक करा है शेड नंबर 8। सो दोनों को मिक्स करके लगाने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो दोनों आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये लाइट हो जा रही है और कितनी ज़्यादा ये डार्क हो जा रही है। बट जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा तो बिल्कुल ये मेरे टोन का हो जा रहा है। और दोनों की जो प्राइसिंग है वो 549 है एंड ऑफकोर्स आपको सेल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने पिक करा है वो पर्पल के दो कॉम्पैक्ट पिक करे हैं एंड एक है बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विथ SPF एंड सेकेंड वन इज वंस इन अ लाइफ टाइम कॉम्पैक्ट विथ SPF। तो दोनों कॉम्पैक्ट SPF के साथ हैं। सो पर्पल की पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है एंड BU ओन BFF में मैंने पिक करा है शेड नंबर 1 एंड वंस इन अ लाइफ टाइम में मैंने पिक करा है शेड नंबर 4। वंस इन अ लाइफ टाइम कॉम्पैक्ट की प्राइस 275 है, सॉरी गिर गई, एंड BU ओन BFF का प्राइस है 199 rupees। सो आइवोरी शेड पे है ये एंड इसे मैंने अभी ट्राई नहीं करा है। सो ये शेड है एंड गाइज ये मैंने अपने सिस्टर के लिए लिया है, दैट्स व्हाई मैंने अभी इसे ट्राई नहीं करा है क्योंकि वो काफ़ी फेयर है एंड उस पर ये कलर एंड उस पर ये काफ़ी सूट करेगा। तो उसके लिए मैंने ये बाय करा है एंड खुद के लिए मैंने ये 4 नंबर बाय करा है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डार्क शेड हो जा रही है। आई नो कैमरा में थोड़ी लाइट लग रही है बट ये बहुत ज्यादा डार्क शेड है। नेक्स्ट भी मैंने कॉम्पैक्ट ही लिया है एंड ये है मोडा ब्रांड से। कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है एंड ये है वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर। सो ये थोड़ी प्राइसी भी है, 500 rupees की है बट सेल में आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से है, ये है काफ़ी स्मूथ है एंड बटरी काइंड ऑफ है। तो वेट एंड जो ड्राई होती है उसे आप वेट करके एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, दोनों काम हो जाता है। सो आई रियली लाइक दिस वन क्योंकि मुझे वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट बहुत पसंद है एंड इस पर मेरा शेड है 14। नेक्स्ट आइटम इज दिस मस्करा जो कि पर्पल ब्रांड से है। अगर आपको मेबेलिन के मस्करा पसंद है गाइज तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मैंने अभी राइट नाउ इसे अप्लाई करा है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई। इसकी MRP है 345 rupees बट ऑफकोर्स आपको सेल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट ये स्टेक वर्की का बैडेस्ट आईलाइनर है। मैंने 2 शेड्स में मंगाई है, एक ग्रीन पे और एक ब्लैक पे। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। सो ये शेड है जो कि बहुत ही प्यारा शेड है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इवन मैंने आज इसे ट्राई भी करा।
सो गाइस ये काफ़ी पिगमेंटेड है एंड मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी, इस पर और भी बड़े बहुत सारे कलर्स हैं तो मैं धीरे धीरे वो भी मंगाऊंगी एंड आई रियली लाइक दिस वन। इसकी जो प्राइस है वो ओनली 199 रुपीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं इसे रिकमेंड करूँगी। सो नेक्स्ट ये स्टेक वर्की का मिनी आई शेडो पेंसिल है एंड इस पे मेरा शेड है एट द पार्टी 1। इसे भी मैंने ट्राई कर रखा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। आपको आई शेडो सिमर फिनिश पे मिलेगी एंड ये पूरी फुल मैट फिनिश पे है लाइनर, सो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है गाइज, बहुत ज़्यादा, सो आई विल रिकमेंड दिस वन ऑल्सो। इसका MRP 235 रुपीज़ है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है पर्पल ब्रांड से स्मोकी आई पेंसिल, जो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। अभी मैंने इसे ट्राई नहीं करा है, यहाँ पे आपको शार्प करना पड़ेगा इसलिए मैंने इसे ट्राई नहीं करा है। इसका जो प्राइस है वो 449 रुपीज़ है एंड लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट मैंने पिक करा है विंकिंग टुगेदर काजल, जो MRP है वो 249 रुपीज़ की है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज ये शेड है इसके एंड ये भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, सो आई लाइक दिस वन ऑल्सो। नेक्स्ट मैंने मंगाया है अल्ट्रा SD वेलवेट मैट लिपस्टिक, जो शेड नंबर 1 है, वंडरिंग कंपेनियन नंबर 1। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड शेड है ये। सो ये कुछ ऑरेंजेस काइंड ऑफ रेड शेड है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। जब इसे अप्लाई करोगे बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाती है, फर्स्ट में आपको लगेगा क्रीमी लिपस्टिक है, बट थोड़ी देर सेट होने के बाद ये पूरी मैट फीलिंग देगी। बहुत सुंदर शेड है एंड बहुत अच्छी लिपस्टिक है, सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन। नेक्स्ट भी मैंने क्लिप शेड ही मंगाई है, ये पर्पल की स्टैंडर्ड पैकेजिंग में आती है। सो ये प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रियॉन है, टग ऑफ वॉर टाइम 8 शेड नंबर है एंड कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। किस मॉफ काइंड ऑफ शेड है जो मैंने अभी राइट नाउ अप्लाई कर रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है। सो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट क्रीमी फॉर्मूला है, ऐसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती। लेट मी शो यू, ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रही है गाइस, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो मैंने अभी ट्राई करा है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। लाइक लुक एट दिस, ओ माय गॉड, बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रही है ये। आई रियली लव दिस लिपस्टिक। मैं सोची कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं ट्राई करा एंड लिप पे बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हेवी फील नहीं हो रही है। सो इसकी जो MRP है 25 रुपीज़ है, और बहुत ही अच्छी शेड है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो भी एक लिप क्रियॉन है एंड ये भी सेम पिंक कलर में आ गई है। दिस इज लिप क्रियॉन मैट मेट फ्रॉम बर्ड टू सेल्स शेड नंबर 5। MRP 435 रुपीज़ है। ओके सो ये इसकी शेड है जो कि काफी अच्छी बेबी पिंक कलर है ये। नेक्स्ट मैंने स्टेक वर्की का मिनी लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक पिक करा है, जो कि बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में है। सो ये शेड है नॉटी कन्वर्सेशन स्टार्टर 4 एंड कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। जो प्राइस ओनली 199 रुपीज़ है, जो कि आपको सेल पे और कम पे मिल रही है। थोड़ी डार्क पिंक शेड है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है एंड काफी पिगमेंटेड भी है, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी, थोड़ा सेट होने देते हैं। सेकेंड शेड है वो है किस बडीज 20 एंड अगेन ये भी पिंक है। सो दिस इज नॉटी कन्वर्सेशन स्टार्टर 4 एंड दिस इज किस बडीज, ज्यादा ब्यूटीफुल कलर है ये, थोड़ी डार्क ब्राउन शेड में है एंड ये थोड़ी सी पिच काइंड ऑफ टोन दे रही है। ये भी बहुत क्यूट एंड बहुत ज्यादा पसंद आई एंड फुल मैट लिपस्टिक है, तो जिनको भी मैट लिपस्टिक बहुत पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी है। That's it for today's video, guys. I hope मेरा पर्पल हॉल आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना एंड मेरे हॉल वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट में बताओ कि और भी ऐसे वीडियोज देखना चाहते हैं, तो इतने भी लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इतनी भी ऑफर्स चल रही है सबका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइज।